हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बिहार का फेमस दाल पीठा। ये देखने में जितना सिंपल है, खाने में उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है और बनाना बहुत ही आसान है। और जब भी आपका ऑयल फ्री खाने का मन हो तो आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं और ये हेल्दी भी होता है। तो चलिए दाल पीठा बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। दाल पीठा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप चने की दाल। यहाँ मैंने दाल को 2 से 3 पानी से अच्छे से धो करके दाल को 2 घंटे पानी में भिगो दिया था। ये देखिए दाल हमारी फूल गई है और अब हम दाल को ग्राइंड कर लेंगे या पीस लेंगे। दाल में 10 से 12 लहसुन की कलियाँ डालेंगे जिससे दाल में लहसुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह अदरक भी डाल सकते हैं। दाल में स्वाद अनुसार या आधा चम्मच नमक डालेंगे। ये देखिए दाल को यहाँ मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है, हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। और चलिए अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। दाल में 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। आप चाहे तो दाल में लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और अपने पसंद का कोई और मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम हरी मिर्च को दाल में मिला लेंगे। दाल हमारा स्टफिंग के लिए तैयार है। और अब पीठा बनाने के लिए पीठा का आटा तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन को गर्म होने देंगे। पैन में 2 कप पानी डालेंगे, गैस का फ्लेम हाई करेंगे और पानी को गर्म होने देंगे। ये देखिए पानी गर्म हो गया है। इस टाइम पे इसमें 2 कप चावल का आटा या चावल का पाउडर ऐड करेंगे। पानी और चावल का आटा का मात्रा हम सेम ही रखेंगे। चावल के आटे में हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे चावल के आटे को मिलाते हुए हम इसका एक डो बना लेंगे। चावल के आटे को हम पानी में अच्छी तरह से मिला लेंगे जिससे आटा पानी को अच्छी तरह सोख ले। गर्म पानी में पीठा का आटा लगाने से पीठा हमारा बहुत ही रूई जैसा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। ये देखिए चावल का आटा पानी को अच्छी तरह सोख लिया है, पीठा का आटा भी हमारा तैयार हो गया। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और डो को निकालकर एक बर्तन में ठंडा होने देंगे। ये देखिए डो हमारा ठंडा हो गया। हम इसे इस तरह हाथों से चेक करेंगे और मिलाते हुए गूंद लेंगे जिससे आटे में एक भी लम्स या गुठलियाँ नहीं रहेगी। चावल के आटे को मिलाते हुए हम इसका एक स्मूथ डो बना के तैयार करेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने चावल के आटे को मिलाते हुए इसका एक स्मूथ डो तैयार कर लिया है। अगर आपका डो गीला लगे तो आप इसमें चावल का पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए चावल का आटे का डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब हम इसका दाल पीठा बना लेंगे। पीठा बनाने के लिए हम एक कटोरी में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी लेंगे। हाथों में पानी लगाकर चावल का डो लेंगे। इस तरह पानी हाथों में लगाने से डो हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं। और इसे गोल घुमाते हुए इसका एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़े को बीच से दबाते हुए गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ होल बना लेंगे। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप इस तरह इजीली बना सकते हैं। ये देखिए डो हमारा भरने के लिए एकदम तैयार हो गया। हम इसमें 1 चम्मच दाल का पेस्ट डालेंगे और हल्के हाथों से गोल घुमाते हुए इसे धीरे धीरे प्रेस करते हुए बंद करेंगे। इस तरह वीडियो में बताए गए तरीके से आप पिट्ठा को घुमाते हुए बंद कर लेंगे और पिट्ठा को मनचाहा आकार दे के तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ एक दूसरे तरीके से भी पिट्ठा बनाऊंगी। पहले हाथों में पानी लगा लेंगे, थोड़ा सा डो लेंगे, डो को हाथों पे घुमाते हुए
इसका एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़े को बीच से दबाते हुए हाथों पे फैला लेंगे। हाथों पे फैलाते हुए इसे गोल आकार देंगे और अब इसके बीच में हम एक चम्मच दाल डालेंगे। दाल डालकर डो को हम आधा चांद का आकार देंगे और इसके किनारे को इस तरह दबाते हुए बंद कर लेंगे और किनारे को हाथों से प्रेस करते हुए आधा चांद के आकार में तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा दूसरे तरीके से भी पिट्ठा बनके तैयार हो गया है। आपको जो तरीका ईजी और सिंपल लगे आप उस तरीके से पिट्ठा बना सकते हैं। इसी तरह हम सभी पिट्ठे को बना के तैयार कर लेंगे। दाल पिट्ठा को आप सब्जी, चटनी या ऐसे ही खाएं, ये तीनों तरह से खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। दाल पिट्ठा आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी बनाएं, ये ऑयल फ्री डिश है। ये देखिए यहाँ मैंने दाल पिट्ठा बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे पानी में उबाल लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। यहाँ मैंने पतीले में आधे पतीले से ज़्यादा पानी लिया है। हम इसे ढक करके उबाल आने देंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। इस टाइम पे हम इसमें एक एक करके पीठा डालेंगे। ये देखिए पीठा हमारा नीचे जा करके बैठ जा रहा है। हम इसमें एक एक करके सारे पीठे ऐड करेंगे। पिट्ठा डालकर पानी में गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे पिट्ठा को हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए पिट्ठा में उबाल आ गया है। हम इसे इसी तरह पकने देंगे और अब एक चम्मच से नीचे से ऊपर की तरफ मिला लेंगे। पिट्ठे को उबलते हुए 10 मिनट हो गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए और पकने देंगे ताकि पिट्ठा हमारा अच्छी तरह से पक के तैयार हो और कहीं से भी कच्चा ना रहे। ये देखिए पिट्ठा हमारा पानी में ऊपर की तरफ तैर रहा है। इसका मतलब है कि पिट्ठा हमारा बन के तैयार हो गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और पिट्ठा को एक एक करके पानी में से निकाल लेंगे और पिट्ठा को हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। आप भी इसी तरह अपने घर में पिट्ठा बनाएं, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें। ये देखिए यहाँ मैंने पिट्ठा को प्लेट में निकाल लिया है। हम इसे ठंडा होने देंगे और चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे।